इंदौर में लापरवाही लगातार भारी पड़ रही है। कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है, लेकिन इसके बावजूद सावधानी बरतने के लिए लोगों को प्रेरित करने वाले नेता ही संक्रमण को बढ़ावा दे रहे हैं। दरअसल इंदौर में कांग्रेस के द्वारा पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ को पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण का मामला उठाने के लिए धन्यवाद रैली का आयोजन किया गया। इस रैली में लोगों को मास्क पहनने की नसीहत देने वाले नेता ही बिना मास्क के नजर आए। कांग्रेस के कार्यकर्ता रैली में बिना मास्क के घूमते रहे। शहर प्रशासन के द्वारा बिना मास्क के घूम रहे लोगों पर चालानी कार्रवाई भी की जा रही है, लेकिन इस दौरान ना तो किसी अधिकारी के द्वारा इन्हें रोका गया और ना ही नेताओं ने अपने कार्यकर्ताओं को मास्क पहनने की नसीहत दी। जब मीडिया ने प्रदेश महिला कांग्रेस की अध्यक्ष अर्चना जायसवाल से इस लापरवाही को लेकर सवाल पूछे, तो वह जरूर कार्यकर्ताओं को मास्क पहनने की नसीहत देती नजर आई। मैं यदि मेरा व्यक्तिगत मामला चाहे या मैं कांग्रेस की तरफ से भी बोलना चाहूँ तो मैं चाहूँगी सभी रैलियों पर पाबंदी हो जाना चाहिए और भीड़ भरे जो स्थान हैं उन पर भी थोड़ा सा एहतियात भी बरतना चाहिए। हम लोगों ने भी आज प्रतीकात्मक जो लोग आए हैं हमने बिल्कुल उनको बोला कि कम संख्या में आके सड़क पर हम लोग आके ये बताएंगे। मैं चाहती हूँ कि शिवराज सिंह चौहान को भी सोचना चाहिए कि वो यदि जनता के भलाई चाहते हैं तो चुनाव से थोड़ा दूर रहे और रैलियों से दूर रहे और भीड़ भरे जो प्रोग्राम है उनको ना करें। इंदौर में ओमिक्रॉन के भी 8 मरीज सामने आ चुके हैं। कोरोना संक्रमण न फैले इसके लिए लगातार मास्क पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए लोगों को जागरूक किया जा रहा है, लेकिन लगातार हो रहे राजनीतिक आयोजन शहर की आम जनता के लिए मुसीबत बनते जा रहे हैं। आप सभी को पता था कि अभी जो चुनाव हो रहे थे पंचायत के त्रिस्तरीय पंचायतों के, तो उसमें ओबीसी को छोड़ के चुनाव हो जा रहे थे। तो हमारी शुरू से यही मांग थी कि ओबीसी को आरक्षण के बिना चुनाव होना नहीं चाहिए, क्योंकि ओबीसी भी उसी में आती है और आप सभी वर्गों के चुनाव करा लें और ओबीसी के नहीं चुनाव कराएँ, जबकि पूरे मध्य प्रदेश में ओबीसी जो है वो 53% है और मैं खुद ओबीसी से आती हूँ और ओबीसी जो हमारा प्रकोष्ठ है उसके मैं संरक्षक भी हूँ। आज ओबीसी वाले सब यहाँ खड़े हैं और हम लोग कमलनाथ जी को धन्यवाद देने के लिए यहाँ पर खड़े हुए हैं कि हम सब ने लड़ाई लड़ी। कमलनाथ जी ने 27% आरक्षण की लड़ाई लड़ी और उन्होंने कहा, विवेक तन्खा जी भी गए कोर्ट में गए, उन्होंने कहा ओबीसी आरक्षण के बिना चुनाव हो ही नहीं सकता है, तो भी भाजपा मानने को राजी नहीं थी। परंतु कल जब उनको वस्तुस्थिति समझ में आई, ओबीसी वर्ग उनसे नाराज ना हो जाए, तो अब वो चुनाव निरस्तीकरण के लिए राज्यपाल के पास भी गए और अब कोर्ट भी मोहर लगाने वाली है। तो हम इसके लिए सभी कांग्रेस कार्यकर्ता सड़क पर आए हैं और हम कमलनाथ जी को भी धन्यवाद दे रहे हैं और जनता को भी बता रहे हैं हम ओबीसी वर्ग से हैं, ओबीसी वर्ग की हम लड़ाई लड़ते रहेंगे, ओबीसी का अधिकार को कोई हनन ना कर पाए। आज हम इसलिए उनको धन्यवाद ज्ञापित करते हैं और थोड़ी पदयात्रा निकाल के हम लोग उसको सांकेतिक रूप से हम लोग चलेंगे यहाँ पर। लेकिन बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस के कारण चुनाव टले हैं, देखिए बीजेपी जो कितना झूठ बोलती है आप सबसे भी छुपानी है। जितने भी आज तक जो चुनाव कराए हैं उन्होंने सब कोरोना के कारण कराए और कितने लोग काल कवलित हो गए और अभी भी वो चुनाव करा जा रहे हैं। उनकी रैलियां आप देखो, उनकी बोलते हैं शिवराज सिंह चौहान मास्क लगा के आओ कि डिस्टेंस बना के रखो, और आप परसों भी आए थे आप देखो कहाँ पर डिस्टेंसिंग की थी, कहाँ पर मास्क थे। उनके लिए सब कोरोना खत्म हो जाता है, सब चीज़ खत्म हो जाती है, झूठ का वो पुलंदा बनाते हैं और बिल्कुल झूठ बोलते हैं। जनता को हम लोग सच्चाई करेंगे, आखिर सत्य की विजय हुई है और कांग्रेस इसमें जीती है और आगे भी वो सब वर्गों की लड़ाई लड़ती रहेगी और जो भी चुनाव होगा उसमें कांग्रेस जीतेगी।